नमस्कार, मैं हूँ रिद्धि और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए अब नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले की शराबबंदी सुर्खियों में, और अब जानकारी मिली है कि आज से शुरू हुए दो दिवसीय वर्षाकालीन सत्र में पालक मंत्री वडेट्टीवार द्वारा शराबबंदी संबंध में रखा जाएगा प्रस्ताव, जिसे शराब प्रेमी और शराबबंदी के विरोधी इंतजार में। अब देखना यह है कि इस पर क्या होगा फैसला। कोरोना कहर को देखते हुए चंद्रपुर सराफा व्यापारियों ने सभी की सहमति से लॉकडाउन की घोषणा कर अपनी दुकानें 8 दिन तक बंद रखने का किया है फैसला। जानकारी मिली कि 9 सितंबर से 16 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन। चंद्रपुर जिले में निजी प्रयोगशाला कोरोना परीक्षण की मिली अनुमति, जान ले कि परीक्षण के लिए शुल्क सीमा है 800 रूपए। शराब के नशे में धुन युवकों ने ट्रैफिक पुलिस सिपाही की कर दी पिटाई। भद्रावती शहर के अली पेट्रोल पंप के पास घटी यह घटना, जहां शराब के नशे में धुन 4 युवकों को पुलिस स्टेशन के एक ट्रैफिक पुलिस सिपाही की पिटाई करने के मामले में किया गिरफ्तार। गुग्गुल से मातार देवी की ओर जा रहे दुपहिया वाहन को एक कैप्सूल ट्रक ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे 22 वर्षीय दुपहिया चालक के टुकड़े टुकड़े हो गए और मौके पर ही हुई उसकी दर्दनाक मौत। तो दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं थोड़ी ही देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आप घर बैठे मंगवा सकती है स्वच्छ और हाइजीनिक सब्जी। कैसे? अब ये हो गया बहुत आसान। आप अपने मोबाइल पे फ्रेश एंड फेयर ऐप डाउनलोड कीजिए और घर बैठे मंगवाइए सब्जी, वो भी गोल बाजार के दाम में। साथ ही आपके लिए सुनहरा अवसर, अगर आप अपने निकटतम व्यक्ति को ये ऐप रेफर करते हो तो एक डाउनलोड के पीछे आपको मिलेंगे 20 रूपए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। 7867058987249058320। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जाको राके साइया मार सके ना कोई, और इसी के संबंधित एक घटना आई प्रकाश में, जहां चंद्रपुर जिले के नागबीड से चामोशी मार्ग से अहेरी की ओर जा रहा चौपहिया वाहन हुआ अनियंत्रित, जिससे अनकोड़ा गांव के पास स्थित एक 10 फुट नाले के पानी में कार गिर पड़ी, मगर किस्मत से कार में सवार वृद्ध दंपति की बची जान। दहशत कोरोना के साथ ही दुष्कर्म की, एक 19 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवती पर एम्बुलेंस चालक ने किया अत्याचार। केरल की पटन मिट्टी के अरमुला की यह घटना प्रकाश में आते ही उस एम्बुलेंस चालक को किया गिरफ्तार, किंतु देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है, तो वही इस दौरान यह घटना, जिससे अब पूरी व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। भूकंप ने हिलाया मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन पहले लगातार 2 बार आए भूकंप के झटकों के बाद आज एक बार फिर मुंबई की धरती हिल गई। मुंबई में आज करीब 3.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके किए गए महसूस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास, मातोश्री को उड़ाने की दी धमकी। खुद को मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया, जो दुबई से कर रहा था बात। उसने कहा कि दाऊद सीएम ठाकरे से करना चाहते हैं बात, जिसके बाद अब मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई और महाराष्ट्र पुलिस भी जुटी हुई है जांच में। 2021 के शुरुआत में हो सकता है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। अभियान में नहीं होगा ऑर्बिटर, लेकिन लैंडर और रोवर होंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।